मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं हूँ गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली इसको कह सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसकी बात करेंगे कि 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्लास 11th में जो आपका ग्रुप है आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप है मैथमेटिक्स के लिए, इससे पहले मैंने वीडियो दे दी है, उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में आके। हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसको दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। इसका जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट जो गर्ल्स के लिए कट ऑफ जाता है वो काफ़ी हाई जाती है कंपेयर टू बॉयज स्कूल। उसका रीजन ये है कि आपके जो गर्ल्स स्कूल में आपका जो सीट है, नंबर ऑफ सीट है वो कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज। जो बॉयज स्कूल में सीट है वो ज़्यादा है कंपेयर गर्ल्स स्कूल में, तो इसीलिए गर्ल्स का कट ऑफ बेसिकली हाई जाता है कंपेयर टू बॉयज सेंट्रल बॉयज स्कूल से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पेपर का जो सेट नंबर है वह 3 है और आप देख रहे हैं टेस्ट बुकलेट नंबर भी इसमें मेंशन किया जाता है। हर टेस्ट बुकलेट नंबर जो होता है अलग अलग होता है और सेट भी हर लोगों का अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। टोटल आपके 4 सेट बनाते हैं, 1 to 4 सेट होते हैं। इसमें जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहता है सेम रहता है, क्वेश्चन भी सेम रहते हैं, बट उसकी अरेंजमेंट जो रहती है इस हिसाब से की जाती है कि बगल वाले लड़के या बच्चे का आपसे मैच ना करे, मतलब आप चीट नहीं कर सकते एग्जाम में। कहने का सेंस सीधा सीधा ये है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना होता है इन फिगर में, और यहाँ पे वर्ड में आपको फिल करना होता है, और आपके सीरियल नंबर फिल करने होते हैं, और साथ ही साथ जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका डेट मेंशन करना पड़ता है कि आपका थर्सडे को एग्ज़ाम होता है 25 अप्रैल 2019 को एग्ज़ाम हुआ था आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के लिए, और ये मेरा स्टूडेंट था सचिन कुमार। अगर आप चाहते हैं कि इनको इंटरव्यू की तरह एक तरीके से लिया जाए कि कैसे तैयारी करें SHS की, कि आप सिलेक्शन हो जाएं, कि मेरा ही पढ़ा है वो बच्चा था जो इस समय करेंट में SHS में पढ़ रहा है, आपके कॉमर्स ग्रुप में कॉमर्स से पढ़ाई करा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे बेसिकली कैंडिडेट के लिए। इसमें लिखा गया है पहला कि आपके जो आपके क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब डिफरेंट आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और आपके कैंडिडेट को मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे आपके क्वेश्चन को करने रहते हैं, MCQ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हैं क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें आपके निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब नो माइनस मार्किंग। और लिखा गया है कि आपका नो सेकेंड क्वेश्चन पेपर बुकलेट और आंसर शीट विल बी ए कैंडिडेट, मतलब दूसरा आपको किसी भी हालत में आपको दूसरा आंसर बुकलेट आंसर शीट और क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 के सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली आज हम लोग क्लास 11th के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के कह सकते हैं कला या वाणिज्य ग्रुप के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 11th में अगर आप आर्ट्स में या कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पेपर जो होगा आपका सिंगल होगा, केवल एक पेपर हो गया, उससे अलग अलग आपके कट ऑफ जाते हैं कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में। अगर आप मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में तो उसके लिए दूसरे पेपर होंगे, और अगर आप बायोलॉजी ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके दूसरे पेपर होंगे। इसकी टाइमिंग और जो आपकी डेट शीट होती है अलग अलग पेपर की होती है, और आपके पैटर्न जो होते हैं सेम होते हैं। आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 2 hours कह सकते हैं, 120 मिनट आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पे 1 minute 20 seconds आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। बेसिकली मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम आपको भरपूर दिया जा रहा है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टोटल लेंथ ऑफ रोड्स विच इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है, पहले नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट आता है, और आपके तीसरे नंबर पे जो आता है आपका चाइना आता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका
कंडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आपका जो है कंडला पोर्ट कहाँ पे आपका स्थित है ये बताना है, तो आपके गुजरात में है और आपके जगह का जो नाम है कूच डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आपके डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कूच पड़ रहा है और आपका जो स्टेट है आपका गुजरात है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं जो आपका कंडला पोर्ट है उसको सी पोर्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर हम लोगों ने देख लिया कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में है, ये आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्रेजेंट इन मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपके जो पाए जाते हैं थ्यूरियम होते हैं, आपके थ्यूरियम पाए जाते हैं, या आपके रेयर फॉस्फेट मेटल होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केस में ये मिलते हैं, जल्दी आपके नहीं मिलते इसीलिए ये महंगे होते हैं, कह सकते हैं जैसे यूरेनियम महंगा होता है उसी तरह आपका थ्यूरियम भी महंगा होता है, यह भी आपका रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका चौथा, इसमें आपका बोला जा रहा है फोर में विच सिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप जानते हैं बेंगलोर को कहा जाता है, तो थर्ड ऑप्शन जो इसमें आपका बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फिफ्थ विच टाइप्स ऑफ क्रॉप इज ग्राउंडनट, ग्राउंडनट किस टाइप का क्रॉप होता है, तो हम लोग जानते हैं आपका जो ग्राउंडनट होता है ये आपके पीनट टाइप के होते हैं, ये आपके लिक्यूम क्रॉप होते हैं, जो आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, ये आपका ऑप्शन इसमें सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है, ग्राउंडनट जो होता है आपका लिक्यूम क्रॉप होता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका छठवां नंबर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं आपका हर ईयर आपका जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपका इस बार होस्ट किया गया था, आपका होस्टेड बाय चाइना इन 2019, थीम था आपका एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें आपका सेवन नंबर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, भारत के किस राज्य में सरिस्का बाघ प्रक्षेत्र स्थित है, तो आपके राजस्थान में है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है अलवर आएगा, अलवर डिस्ट्रिक्ट आपके राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पे आपका ये आपका स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है आपका एट नंबर, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, निम्न में से कौन सा देश लौह अयस्क का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो आपके पहले नंबर पे आता है चाइना आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, तीसरे नंबर पे आपका ब्राज़ील आता है और आपके चौथे नंबर पे आपका इंडिया आता है, तो पहले नंबर पे बोला जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो आपका चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर का। आपका नाइन नंबर विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन उड़ीसा कोस्ट, भारत का कौन सा बंदरगाह उड़ीसा तट पर अव्यवस्थित है, तो आपका जो है पारादीप है वो आपका उड़ीसा कोस्ट पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका दसवां नंबर, इसमें बोला जा रहा है इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस अकर्स फ्रॉम, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, तो आपका बम्बई हाईवे है जो आपका मुंबई शहर में है, कह सकते हैं महाराष्ट्र में है आपका बम्बई हाईवे, वहाँ से आपका किया जाता है आपका लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि ये आपके समुद्र सी से मतलब सी लेवल से नीचे है बम्बई हाईवे, वहाँ पे आपके नेचुरल गैस मिलने की ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है वहाँ पे, कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके 11 नंबर द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी, कह सकते हैं जो आपके यूएस में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, ये आपके 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपको रिपीट करते हैं हर साल, तो इसको ध्यान में रखिएगा अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका 12, इसमें बोला जा रहा है इन नीति आयोग नीति स्टैंड्स फॉर, नीति का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल नेम होता है नीति का, जिसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में और ये फॉर्म हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था, और इसके जो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी हैं और वाइस चेयरमैन जो है राजीव कुमार जी हैं, और आपके जो इसके CEO हैं नीति आयोग के वह हैं आपके अमिताभ कांत जी हैं, और इसके चेयरमैन ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं और वाइस चेयरमैन आपके राजीव कुमार हैं। जैसे क्वेश्चन इसको चेंज कर दे कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
बहुत सारे आपके सिटी का नाम दे दे, जैसे स्टेट का नाम दे दे, दिल्ली दे दे, मुंबई दे दे, सॉरी महाराष्ट्र दे दे, और अलग अलग यूपी दे दे, दूसरी स्टेट भी दे दे, वेस्ट बंगाल दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें 13 नंबर, विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर GST इन इंडिया के समिति ने भारत में GST लागू करने की संतुति की। तो आपका जो था केलकर समिति थी, केलकर कमेटी थी, उसके द्वारा GST लाने का रिकमेंडेशन हुआ, जो आपके 12th फाइनेंस कमीशन में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो वर्तमान जो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास जी हैं, जो आपके 25th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कब से हैं? 12 दिसंबर 2019 से आपके करेंट में हैं आपके शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट है इसमें आपका 15 नंबर, हु एथर्ड द बुक पोवर्टी एंड फेमाइंस, आपके जो गरीबी और अकाल के जो बुक के अथर हैं कौन हैं। तो आपके अमृता सेन जी हैं, आपके थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्टरी सर्विस सेक्टर, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा तृतीयक सेवा क्षेत्र नहीं है। तो आपके टूरिज्म जो होते हैं इसमें आपके नहीं इंक्लूड किए जाते हैं आपके टर्टरी सर्विस में। टर्टरी सर्विस बेसिकली आपकी तृतीय सेवा क्या होती है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज से रिलेटेड होती है। एजुकेशन जो होता है इसमें भी आपके एक्सचेंज होते हैं चीज़ों को, माइनिंग में आपके प्रोडक्शन होते हैं, बैंकिंग में भी आपके एक्सचेंज और प्रोडक्शन होते हैं, बट आपके टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके प्रोडक्शन नहीं चीज़ होती हैं। तो इसमें आपके कौन से आपके सेक्टर है जो नहीं है आपके टर्टरी सर्विस? तो आपके टूरिज्म जो है आपके टर्टरी सर्विस नहीं है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया था, अगर इंडिया की पूछता तो लोग बता देते हैं, बट इसमें बोला जा रहा है कि द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं। तो आपके मोहम्मद यूनुसुफ हैं, आपके थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मोहम्मद यूनुसुफ, YUNUS, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट इसमें आपका 18 नंबर, इसमें बोला जा रहा है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसको, हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में लिबरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, एवरी ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर सोइंग सीजन, प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की जाती है, बुआई मौसम के पहले की जाती है। और सारे आपको ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, हार्वेस्टिंग सीजन, मानसून सीजन, इरिगेशन सीजन, मैं आपको क्लियर तुरंत आंसर बता दे रहा हूँ, बट आप जब भी पढ़िएगा तो सारे ऑप्शन को और पढ़िएगा, इससे क्लियर होगा, इसके बारे में भी जानिएगा, इसके बारे में भी जानिएगा, इसके बारे में भी जानिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएंगे ये चारों ऑप्शन से, तो आप तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, तो ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 20, इसमें बोला जा रहा है नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जैसे और डेट से 1, 10 और 25 दिसंबर इसमें क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मतलब चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्वेश्चन के, तो आपको सारे को अच्छे से देखना है और आपको क्लियरली पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और केयरफुली नोट करिए उसको। तो इसमें आपका जो थीम था इसका, टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, तो इसमें जो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है या किस थीम पे मनाया जाता है कि जो भी आपके शिकायतें रहती हैं कस्टमर की, कंज्यूमर की, जो उपभोक्ता होता है उसकी टाइमली डिस्पोजल हो, मतलब शिकायतों का निवारण तुरंत हो, मतलब जल्दी हो, इसलिए आपका नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल आपका 24 दिसंबर को, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हिंदी में। नेक्स्ट है आपका 21, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली नॉट डिटरमाइंड बाय, किसी देश का विकास सामान्यतः किस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बोला जा रहा है नॉट नहीं, ये आपका
इसलिए बोल्ड किया कि बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते तो उन्हें छोड़ देते हैं, तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली से पढ़ना है, तभी आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री जनरली नॉट डिटरमाइंड बाय कंट्री का विकास किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका निर्धारित नहीं करता है। पहला इसमें इट्स पर कैपिटा इनकम, नेक्स्ट है आपका इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, नेक्स्ट है आपका हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, और लास्ट है आपका परसेंटेज ऑफ रिच पॉपुलेशन। तो आपके जो धनी आबादी है उस पर आपका डिपेंड नहीं करता किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट है। 22 है इसमें आपका द सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ GDP इज, वह क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा GDP में सर्वाधिक भागीदारी रखता है वह कौन सा क्षेत्र है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका इंडिया है कृषि प्रधान देश है, इसका जो इकोनॉमिक्स है इंडियन इकोनॉमिक्स और कह सकते हैं GDP रेट जो डिपेंड करता है केवल और केवल एग्रीकल्चर फील्ड पर डिपेंड करता है, कह सकते हैं मोर देन 50% आपके जो परसेंट है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से हैं, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से हैं, और जो अदर सेक्टर हैं लाइक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर वेरी लेस परसेंट कंट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसमें आपको 23 इसमें बोला जा रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द सिटी, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो आपको बताना चाहूँगा मुंबई में इस समय आपका सिचुएटेड है लोकेटेड है स्थित है, बट जब स्टेबलाइज्ड हुआ था तो आपका कलकत्ता था जिसको आप बोलते हैं कोलकाता बोलते हैं, पहले आपका कलकत्ता बोलते थे, तो स्टेबलाइज्ड आपका कलकत्ता में हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बट इस समय हेडक्वार्टर जो करेंट में आपका है मुंबई में है जो आपका महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपका 24 इसमें बोला जा रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच वन हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, भारत में भारत के निम्न राज्यों में से किसकी आबादी सबसे कम है, सबसे कम बोला जा रहा है। ये ऑप्शन दिया गया है, डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से आपका लीस्ट पॉपुलेशन बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा आपका महाराष्ट्र, नेक्स्ट है आपका बिहार और लास्ट है आपका वेस्ट बंगाल। तो कंपेयर टू अदर स्टेट्स आपका वेस्ट बंगाल में जो आपका पॉपुलेशन है लिस्ट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बट अगर बोला जाए कि नॉट लिस्ट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो वेस्ट बंगाल से भी आपके पॉपुलेशन वहाँ की कम है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है इसीलिए वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट है, इसमें लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 25 इसमें बोला जा रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं RTI एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, इसमें बोला जा रहा है कि कब लागू किया गया। तो लागू जो आपका किया गया 12 अक्टूबर 2005 में किया गया, थर्ड ऑप्शन सही है, बट बोला जाए अगर पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड कब हुआ तो 12 जून 2005 में आपका पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, बट आपका जो फोर्स में इंडिया में फोर्स में आया मतलब कब से आपका लागू किया गया, तो आपका 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें आपका 26 इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया इज, भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त कार्यालय भाषाओं की संख्या है। तो जो आपका 22 है आपका लैंग्वेज है तो आपका ऑफिशियली लैंग्वेज है बाय द 8 शेड्यूल्स, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है 22 का, तो 23 आपका नियर अबाउट जो है उसके नियर अबाउट वाला आपका करेक्ट होगा। तो 23 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 27 इसमें आपका बोला जा रहा है कि इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन अदर देन द हिंदी स्पीक, हिंदी को छोड़कर निम्न में से कौन सी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि हिंदी स्पीकर मतलब हम लोगों की हिंदी जो है मातृभाषा है, तो हिंदी तो सबसे पहले नंबर वन पर रहेगा, तो जो हिंदी बोलने की आपकी परसेंट है आउट ऑफ 100 में से 43.69% है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं आपकी बंगाली, बंगाली का जो बोलने का प्रतिशत है 8.03, उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे मराठी और आपके चौथे नंबर पे तेलुगु और लास्ट आपके पांचवें नंबर पे तमिल आता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अदर देन हिंदी, हिंदी के बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन मतलब स्पीक
कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बंगाली। इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 28, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर। बेल्जियम ने एकात्मक व्यवस्था को जब सिंधी सरकार में परिवर्तित किया तो वह वर्ष कौन सा था, तो वह आपका जो ईयर था 1993 था। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, 80 दिया है, 90 दिया है, 98 दिया और 93 दिया था। नेक्स्ट इसमें आपका 29, इसमें बोला जा रहा कि त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन द स्टेट्स। त्रावणकोर रियासत वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो आपका केरला में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है 30, इसमें बोला जा रहा है कि हु आर द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इसमें बोला जा रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात की जा रही है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे आपके फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर थे। और करेंट की अगर बात करें तो इस समय कौन है, तो रविशंकर प्रसाद जी हैं करेंट में 2019 में आपके लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें आपका बोला जा रहा है 31 में, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या कितनी है, मतलब कहने का मतलब सेंस ये है कि एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट आपकी रिजर्व की गई है लोकसभा पार्लियामेंट में। तो अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पे एससी की बात हो रही है, तो 84 आपकी सीट है। टोटल सीट की बात करें आपके जो रिजर्व हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो 131 है, 131 है, जिसमें से आपका एससी कैटेगरी के लिए 84 है और 47 आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, तो आपके 545 टोटल सीट होते हैं, जिसमें आपके 543 आपके इलेक्टेड होते हैं और आपके दो जो सीट होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा दो लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। और आपके 543 जो होते हैं इलेक्टेड वो सीट होते हैं। और अगर बात करें रिजर्व सीट की, तो रिजर्व सीट में आपके टोटल 131 आते, 131 आते, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 टोटल सीट है। नेक्स्ट इसमें आपका 32, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपके जो करेंट में 2019 का पेपर है, इसीलिए आपका जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो आपके करेंट में, इनका जो कार्यकाल है आपका 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक का है। और जो आपका इनका नाम है रंजन गोगोई जी हैं, जो आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। इससे पहले आपके दीपक मिश्रा जी थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। 46 आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं और इनका जो कार्यकाल का समय है 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक रहेगा। नेक्स्ट इसमें आपका 33, इन विच ईयर भारतीय जनता पार्टी वॉज क्रिएटेड। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपके प्रश्न पूछे गए थे, बिकॉज इलेक्शन का समय था, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन हुए थे, तो ये आपका मुख्य आपका पूछ लिया था उसमें कि भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन कब हुआ था। तो जो क्रिएशन हुआ था आपका 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, और जिसका हेड क्वार्टर था आपका न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर था। और इसके फाउंडर कौन कौन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी थे और आपका भैरवन सिंह शेखावत जी थे। ये आपके तीन लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर रखा था, मतलब फाउंड रखा था और उनका गठन किया था, पार्टी का गठन किया था, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 34, इसमें बोला जा रहा है द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपके जो है 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो आपका पंचायती राज से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। और सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए कि म्यूनिसपैलिटी दिया है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दिया है, रिमूवल ऑफ करप्शन दिया है,
तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपका 11th शेड्यूल की बात की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में संविधान की बात की जा रही है 11वीं अनुसूची में, तो आपके पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट आता है 35, इसमें बोला जा रहा है हु इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, तो ये आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बहुत सारे लोग ये लगा कर रहे हैं। तीसरा दादा भाई नौरोजी जी, बट ये गलत है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट इसमें आपका 36, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मदन मोहन मालवीय जी वाज बेसिकली, मदन मोहन मालवीय जी मूलतः थे क्या थे। पहला इसमें ऑप्शन है अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड स्कॉलर ऑफ लॉ, सेकेंड ऑप्शन है इसमें आपका अ विजनरी एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, थर्ड ऑप्शन है इसमें एन इमिनेंट जर्नलिस्ट एंड पॉपुलर पार्लियामेंटेरियन, लास्ट ऑप्शन है पर्सन विथ ऑल द एबव क्वालिटीज। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे आपके एक महान राष्ट्रभक्त और विधि के विद्वान थे। नेक्स्ट इसमें आपका एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे और एक अग्रणी पत्रकार और लोकप्रिय सांसद भी थे, तो सारी इनके में मतलब गुण पाए जाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो है पर्सन विथ ऑल द एबव क्वालिटीज करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 37, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो विदेश नीति से जो संबंधित है आपका आर्टिकल 51 है, इसको ध्यान में रखिएगा जब भी फॉरेन की बात की जाए तो आर्टिकल 51। नेक्स्ट इसमें आपका 38, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो इसमें बोला जा रहा कि अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, स्वीकृत करने की बात की जा रही है, तो आपका 26 नवंबर 1949 में हुआ था अडॉप्ट किया गया था, बट केम इन टू फोर्स कब, आपका केम आया मतलब फोर्स में आया जब, कब लागू किया गया, लागू करने की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 में आपका लागू किया गया था संविधान, और आपका एडॉप्ट कब किया गया था 26 नवंबर 1949 में, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं और बहुत सारे लोग गलत कर आए भी थे पेपर में। नेक्स्ट इसमें आपका 39, इसमें बोला जा रहा है विच इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया था, मतलब लिखा तो किसी और ने था बट उसको आपके डेकोरेशन का काम किसी और ने किया था, उनका जो नाम है आपका नंदलाल बोस जी हैं, चौथा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, जो आपके नंदलाल बोस जी हैं उन्होंने आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट का काम किया था विथ हैंड रिटन कॉपी में, ठीक है, तो जो हैंड रिटन कॉपी थी उसमें डेकोरेशन का काम आपके नंदलाल बोस जी ने किया था। नेक्स्ट इसमें आपको 40, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टेम्परेरी एंड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को अस्थायी रूप से विशेष स्वतंत्रता वाले राज्य का दर्जा प्रदान करता है, तो इसमें बहुत ही वायरल हुआ था आर्टिकल 370 कह सकते हैं अनुच्छेद 370 जो आपका जम्मू कश्मीर को पूर्ण मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं करने देता था, बट आपका आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है जिससे आपका अब इंडियन फ्लैग आपका जम्मू कश्मीर में भी आपका लहरा सकेगा कह सकते हैं, और जम्मू कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में आपका डिवाइड कर दिया गया, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका एक लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका पूरी तरीके से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब लागू होगा, पूरा मतलब भारतीय संविधान अब लागू होगा, वहाँ पे अब ज़मीन खरीदना और इस टाइप की मतलब वहाँ के लड़के लड़कियाँ मतलब दूसरे आपके स्टेट से शादी या मतलब इस टाइप के कर सकते हैं, सारा कुछ मतलब नॉर्मल जैसे सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते हैं स्टेट में तो वहाँ पे भी लागू होगा। नेक्स्ट इसमें आपका 41, हु इज़ द
प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया, इसमें बोला जा रहा है कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान की बात की जा रही है, तो 2019 का पेपर है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत जी हैं, आपने देखा भी होगा पिक्चर, बहुत ज़्यादा वो आते थे आपके टेलीविज़न वगैरह पे। तो जनरल बिपिन रावत जी हैं, जो कब से हैं, 31 दिसंबर 2016 से अभी तक आपके करेंट में हैं चीफ जस्टिस ऑफ, प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। नेक्स्ट इसमें आपको 42, हु इज द प्रेजेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत में वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है, इस क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है। तो जो आपके करेंट आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो हैं आपकी स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, कह सकते हैं उद्योग भवन बोलते हैं, जो आपका न्यू दिल्ली में है। और सारे आपके जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा, मैं छोड़ इसलिए दे रहा हूँ कि टाइम कम है, सारा ऑप्शन पढ़ूँगा तो वीडियो आपकी बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो भी और सारे ऑप्शन हैं, जैसे चार ऑप्शन बच रहे हैं, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, ये सब आपके किससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, ये सब आपको सारे पढ़ने हैं ऑप्शन को, क्योंकि कि 2020 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या 2021 के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है तो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आप सारे जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं चार ऑप्शन, उसको क्लियरली पढ़िए और उसके बारे में आप जो भी आपके चीज़ें जहाँ से भी गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं और उसको आप नोट डाउन कीजिए, अपना एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको आप रीड कीजिए, रिफ़र कीजिए। नेक्स्ट इसमें आपको 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव द गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टी, निम्न में से किस भारतीय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, किस में नहीं है, तो केरला में है, केरला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन चार ऑप्शन में यूपी और असम और उत्तराखंड की बाद आपका केरला में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये सब सारे जगह तीनों जगह आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट है आपका 44, ये आपका क्वेश्चन जो है रिपीट किया है, इससे पहले भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, आपका जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है, यह तो आपका एपी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। नेक्स्ट आपका 45, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वहाँ यंत्र से है, तो आपके जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वो आपके फ्लूट से संबंध रखते हैं, बांसुरी बजाते हैं। 46 से और 50 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में सॉल्व करेंगे, इसको मैं लाइव सॉल्व कराऊंगा और आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। इसमें आपके केवल 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं, मतलब आए हैं इस बार, मे बी आपके 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड पेपर पैटर्न फॉर दिस टाइम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग इन एग्जामिनेशंस, ये डिपेंड करता है उस पर कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन कितने आपके किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो 46 से 50 तक के जो भी क्वेश्चन हैं आपके, उसको मैथ को मैं लाइव कराऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट है आपका 51, ये आपके हिंदी से है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका जो उपमा अलंकार है, मैंने अलंकार पे भी वीडियो बना दी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, 2 वीडियो अलंकार की है, दोनों वीडियो आप देख लीजिए, आपका अलंकार एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52, इस वर्ष बहुत कम वर्षा हुई में रेखांकित पद है, इस वर्ष बहुत कम वर्षा हुई, तो पहले से कम बोला जा रहा है, कम वर्षा हुई, बट आपको बहुत लग गया, तो ये आपका प्रविशेषण है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 53, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म 1478 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्रज में हुआ था, और यह आपके ब्रज भाषा बोलते भी हैं, मतलब ब्रज भाषा में लिखते हैं श्री कृष्ण के बारे में, बेसिकली आपके सूरदास जी लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 54, वह बाजार गई और स्वेटर लाई वाक्य को रचना भेद के अनुसार पहचानिए, वह बाजार गई और स्वेटर लाई,
या आपका संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य हो नहीं सकता, मिश्रित वाक्य हो नहीं सकता और पूर्ण वाक्य हो नहीं सकता, और लग गया तो आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट इसमें आपका 55 खर का पर्यायवाची शब्द है। खर किसका पर्यायवाची? शेर का, भालू का, गधा का, घोड़ा का। तो गधा का पर्यायवाची है खर। नेक्स्ट इसमें आपका 56 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आपकी व्युत्पत्ति की बात की जा रही है, तो आपके बेसिकली 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, और आपके 2 और होते हैं, टोटल आपके 5 टाइप्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे 5 लगा कर आएँ जो बिल्कुल गलत है। व्युत्पत्ति की बात की जा रही है तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 57 निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है तितली है, कह सकते हैं उपन्यास है, जो आपकी बहुत ही फेमस आपकी जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है, तितली, झरना, इस टाइप के। और सारे जो आपके मैला आंचल है, ओंकार है, समुद्रगुप्त है, इसकी भी राइटर को आपको सर्च करना है और आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें आपका 58 इसमें बोला जा रहा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, इस व्यक्ति में कौन सा रस है? आपका कबीरदास जी का दोहा है, और इसमें कौन सा रस की बात की जा रही है? तो जो आपका रस है शांत रस है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, तो मतलब शांत रस की बात की जा रही है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अनुप्रयास और रूपक अलंकार है, और छंद जो है इसमें आपका दोहा है। नेक्स्ट इसमें आपका 59 हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें बोला जा रहा है, पहला बहाने बनाना, नेक्स्ट से कठिन कार्य करना, कार्य को आसान समझना, हाथ में उपटन लगाना। तो बहाने बनाना हो नहीं सकता, हाथ में उपटन लगाना हो नहीं सकता, ये आपको पता है। हथेली पर सरसों जमाना मतलब कार्य को आसान समझना या कठिन कार्य करना। तो हथेली पर सरसों जमाना भाई बहुत आसान तो है नहीं, तो ये आपका कठिन कार्य है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे भी आप थिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 60 मुझसे अब चला नहीं जाता, चला नहीं जाता बोला जा रहा है। वाक्य किस प्रकार का है? तो वो बोल रहा है आपका अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि हाँ मुझसे अब चला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य है, मतलब सरल वाक्य है, बोल सकते हैं ना कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य या सिंपल सेंटेंस है, बट आपका भाववाचक आपका प्रकार है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 61 इसमें बोला जा रहा है, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी आपकी भक्ति काल के कवि हैं, आप जानते ही हैं, लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 62 महाभोज किसकी रचना है? तो महाभोज आपके मनु भंडारी की रचना है, लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मोहन राकेश ये सब जो भी आपके राइटर दिए गए हैं इनकी भी रचना को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका 63 इत्यादि शब्द में कौन सी सिंधि है? तो इत्यादि में इति धन आदि आपका सिंधी विच्छेदों का जो आपका यर्ड सिंधी है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर आपको चाहिए सिंधी विच्छेद पे भी वीडियो तो बता दीजिएगा, मैं इसकी रिगार्डिंग भी वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट इसमें आपका 64 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं, तो तत्सम की बात की जा रही है, तो तत्सम आपका अग्नि है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें आपका 65 प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं बोला जा रहा है, मतलब जो आपकी पत्नी है वह बोल रही है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें आपके शोक व्यक्त की रही है, मतलब सैड सौरव व्यक्त कर रही है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शोक व्यक्त करे, सैडनेस। 66 वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यह आपका किस आपके पोएटिक लाइन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है ये आपको बताना था। तो जो राइटर है आपके कोलरेज जी हैं, और आपके पहला ऑप्शन है वर्डवर्थ, दूसरा ऑप्शन है आपका केट्स, और आपके तीसरा ऑप्शन है कोलरेज, और आपका चौथा ऑप्शन है सेले। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, कौन से पोएम से लिया गया है? द रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये आपके पोएम से लिया गया है, यह लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। नेक्स्ट इसमें आपका 67 हु एमोंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ 2080 जिनपेथ अवार्ड, आपके कौन जो 2080 जिनपेथ अवार्ड के रेसिपिएंट्स हैं? तो आपके
अमिताभ घोष जी हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका चूज द रॉन्ग स्पेल वर्ड, इसमें से आपके रॉन्ग स्पेल वर्ड को आपको चूज करना है। पहला आपका इमिनेंट, दूसरा आपका इमेच्योर, तीसरा आपका इलिसाइट और तीसरा आपका जो है गलत है। इसमें इसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है बट इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ई से स्टार्ट होती है, ई एल आई सी आई टी ई। इलिसाइट का मतलब होता है निकालना। और लास्ट ऑप्शन है आपका इम्परेटिव, आपका करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें आपका 69, इसमें बोला जा रहा है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऐसा वर्ड होगा जिसका आपका मीनिंग जो होगी डिफरेंट होगी। पहला ऑप्शन है आपका कुजिटेट, नेक्स्ट है आपका कंटेम्पलेट, चौथा ऑप्शन है इसमें आपका मेडिटेट और लास्ट ऑप्शन है आपका तीसरा बचा है अनहीड। तो आपका जो अनहीड है इसका मतलब होता है अनदेखा, और ये जो तीनों है आपका कंटेम्पलेट, कोजिटेट और मेडिटेट, इसका मतलब होता है ध्यान लगाना या विचार करना। बट आपका तीसरा जो इसमें ऑप्शन है इसका मतलब होता है अनदेखा करना, तो ये आपका ऑड वर्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन ये। नेक्स्ट है आपका 70, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ए लिखा है फिर ब्लैंक दिया है, ऑफ पप्पीज ईट ऑल द फूड्स, जो आपके पप्पीस हैं वो सारा फूड खा गया। तो इसमें आपकी पप्पी क्या रहता है, पप्पी को बोलते हैं लिटर, मतलब कुत्ते के अगर जो आपका यंगेस्ट आपका बच्चा हो मतलब बेबी हो उसको हम लोग बोल सकते हैं लिटर। तो आपके लिटरल ऑफ पप्पी ईट ऑल द फूड्स, अगर ये आपका बड़ा पप्पीस हो तो उसको पैग बोलते हैं, बट यहाँ पे छोटे पप्पीस की बात की जा रही, पप्पीस वर्ड ही आपका छोटा हो गया, मतलब यंगेस्ट आपका डॉग कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जो यूज होगा लिटर, एल आई डबल टी ई आर लिटर, ये आपका यहाँ पे फेल होगा। नेक्स्ट इसमें आपका 71, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडम एंड फ्रेसेस, एक आपके मुहावरे और लोकप्रिय टाइप का दिया गया है उसकी आपको मीनिंग बतानी है। दिया गया द प्रॉस एंड कॉन्स, तो प्रॉस का मतलब होता है फेवर और कॉन्स का मतलब होता है उस चीज़ के एग्नेस्ट, जैसे एक बंदा है किसी चीज़ की फेवर में है, दूसरा बंदा है उसी चीज़ के एग्नेस्ट में है, तो किसी कार्य के लाभ या हानि बनाता, तो ये आपका फॉर एंड एग्नेस्ट अ थिंग, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। और सारे ऑप्शन दिए गए थे जो गलत हैं, गुड एंड एविल, फॉर्मर एंड लेटर, फूल एंड फेयर, ये आपकी गलत ऑप्शन है। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब ही हो जाएगा, प्रॉस मतलब होता है किसी चीज़ की फेवर और आपका कॉन्स का मतलब होता है एग्नेस्ट, तो फॉर एंड एग्नेस्ट अ थिंग। नेक्स्ट इसमें आपका 72, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ डोलीफुल, डी ओ एल ई एफ यू एल, इसका मतलब होता है आपका विस्मय, मतलब होता है जैसे सौरव फील करना, तो इसका आपका जस्ट अपोजिट बताना है, मतलब कह सकते हैं एंटोनियम्स बताना है, तो जो आपका एंटोनियम्स हो जाएगा आपका हैप्पी हो जाएगा, मतलब खुश व्यक्त करना। इसमें और दूसरा चीज़ देख रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, डिप्रेस्ड, पुअर, रिच, इस टाइप के, तो विस्मय मय हो रहा है, विषाद में हो जा रहा है, मतलब सोरो फील कर रहा है, तो उसके लिए हैप्पी। नेक्स्ट इसमें आपका 73, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ अ बुक हियर, तो ही सेड दैट, आप जानते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है या आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। यहाँ आपका पास्ट आपका सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो आई जो चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग, तो दैट ही हैड सीन अ बुक देयर, हियर आपका चेंज हो जाता है देयर में, तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी दिक्कत हो रही है या एक्टिव और पैसिव में भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी भी रिगार्डिंग वीडियो दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका 74, चूज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, इसमें आपको चूज करना है, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, ये आपके समझ लाइक कह सकते हो सिमली, मेटाफोर, इस टाइप के जो भी आपके होते हैं इसमें आपके फिल करने थे, जो आपके इंग्लिश के आपके अलंकार होते हैं कह सकते हो। तो इसमें आपको ब्लैंक दे दिया गया है एंड सीनर ऑफ कोल्ड कमांड, तो यहाँ पे जो आपका फेल होगा अल्ट्रेशन होगा, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 75, द डियर डिपार्टेड इज रिटेन बाई द डियर डिपार्टेड
किसने रिटेन किया था? तो आपका स्टेनले होंगस्टन ने रिटेन किया था, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 76 द एंटोनिम्स ऑफ कन्वोल्यूशंस, इसका मीन्स होता है आपका मोड़ना या इठना या खलबली मचाना, तो इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा मतलब अपोजिट वर्ड इसको आपको चूज करना है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका ट्रांस क्वालिटी, इसका मीन्स होता है शांत, तो इसका मतलब होता है आपका खलबली, तो जस्ट इसका अपोजिट आपका शांत, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो भी आपकी मीनिंग दिए गए हैं ये आपके अपोजिट नहीं है इसके, बट आपको पढ़ने हैं सारे, तो इसका जो भी आपकी डिक्शनरी अगर आपके पास है तो आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, उसको हिंदी में आप लिख के एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका 77, इसमें बोला जा रहा है कि आपको ऑड वर्ड जो है आपको चूज करने हैं, तो चार ऑप्शन मैंने पढ़ लिए। इसमें आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका सिलेंडर, इसका मतलब होता है आपका बहुत ही हल्का बोल सकते हैं या पतला बोल सकते हैं, बट और जो तीनों ऑप्शन है इसका मतलब होता है भारीपन या मासिव चीज़, मतलब मासिव। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है मेरे को और देखें आपको करेक्ट यही है। नेक्स्ट है आपका 78, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोडिगेलिटी। प्रोडिगेलिटी का आपको करेक्ट आपको एंटोनिम्स चूज करने हैं, तो आपको प्रोडिगेलिटी का मीनिंग जो हिंदी में होता है फिजूल खर्ची होता है, तो इसका जो एंटोनिम्स होने वाला है आपका फ्रूंगल्स, फ्रूंगल का मतलब होता है आपका मितवई, मतलब जो कम खर्चा हो करे या कह सकते हैं हिसाब से खर्चा करे, फिजूल खर्च ना करे, बट सारे और जो भी ऑप्शन है उसका मतलब ही होता है आपका फिजूल खर्ची, वेस्ट करना। नेक्स्ट इसमें आपका 79, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक पैसिव वॉइस भी आ गया, दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, ये कौन सा टेंस है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको आपको चेंज करना है, तो मिल्क इज मिल्क हो जाएगा, इज लग जाता है, प्रेजेंट आपका सिंपल जो होता है कंटिन्यूस में चेंज होता है, तो आपका मिल्क इज कंटेंड आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है इन दिस बॉटल, तो पहला जो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। बाकी सारा ऑप्शन में आपका बिंग बिंग लगा दिया है, यहाँ पे हैव सॉरी हैज बीन लगा दिया है, जो आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इसमें आपका 80, इम्प्रॉप्टू मीन्स मतलब होता है बिना तैयारी के, तो इसका जो मीनिंग हो सकता है कह सकते हो ऑफ हैंड, मतलब बिना तैयारी के आप किसी भी काम को करने जाओ तो उसको बोल सकते हो ऑफ हैंड, और सारे जो भी मीनिंग है अनरियल इफेक्टिव अनइम्पॉर्टेंट, ये सब सारा आपका मीनिंग नहीं दे रहा है, बट ऑफ हैंड जो होता है बिना तैयारी के कह सकते हो, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 81, हु इज द अथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, जो आपका बहुत फेमस है, ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। नेक्स्ट है आपका 82, व्हेन वाज रोलेट एक्ट पास्ट, जो आपका रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में पारित किया गया आपके फेबरी में। नेक्स्ट इसमें आपका 83, हु वाज द राइटर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी, थर्ड है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और लास्ट है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप जानते होंगे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी आपकी वंदे मातरम के रचयिता हैं, जो आपके बंगाली राइटर हैं, इन्होंने आपकी जो राइट की थी वंदे मातरम 1870 में की थी, और आपकी 1881 में आपके ऐड हुआ था जो आपका नोबेल है उपन्यास है आनंद मठ, उसमें ये आपका ऐड हुआ था वंदे मातरम 1881 में, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 84, इसमें बोला जा रहा है हु एमोंग द फॉलोइंग वाज एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स लीडर अभ्युदय मर्यादा हिंदुस्तान टाइम्स, ये चार आपके न्यूज़पेपर दिए हैं, उसमें आपके कौन एडिटर था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मदन मोहन मालवीय जी, और आपके चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, मदन मोहन मालवीय जी ने ही ये आपके एडिटर किया था आपके लीडर अभ्युदय मर्यादा और हिंदुस्तान टाइम्स में, आप जानते ही हैं आपके मदन मोहन मालवीय जी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, सारे खुद से बहुत बड़े आपके अलग अलग चीज़ से समाजवाद राष्ट्रवाद और संसदवाद बहुत सारे चीज़ हुए, जिन्होंने बीचू की नींव रखी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। उन्हें देख लिया निम्न में से कौन सा लीडर अभ्युदय मर्यादा हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे? तो मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट इसमें आपका
85, नेपोलियन वाज अल्टीमेटली डिफीटेड इन विच ईयर, नेपोलियन अंततः किस वर्ष में पराजित हुआ, तो आपका 1815 में हुआ, 1815 में पराजित हुआ, आपका डिफीटेड हुआ अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका 86, इसमें बोला जा रहा है द डेट 29 मार्च 1857 इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ, 19 मार्च 1857 का दिन भारत के इतिहास में याद किया जाता है, क्यों किया जाता है, पहला आपके मेरठ विद्रोह हेतु, दूसरा है आपका बैरकपुर विद्रोह हेतु, तीसरा आपका वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हेतु, और चौथा है आपका मंगल पांडे की फांसी तिथि के रूप में। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे गलत लगा कर आए थे एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, बट आपका जो करेक्ट है 29 मार्च 1857 की बात की जा रही है, तो आपका बैरकपुर का रिवोल्ट था, बैरकपुर विद्रोह हेतु के लिए याद किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो मंगल पांडे जी को फांसी की तिथि के रूप में मनाया जाता है, आपका 7 अप्रैल 1857 हुई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मंगल पांडे से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका 87, विच आर द फॉलोइंग वाज कोड लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, अकबर के समय कौन सा आपका कोड लैंग्वेज था, तो आपका जो था परेशियन था, पर्सियन। ये हम लोगों ने देख लिया है, अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा दरबार की भाषा थी, तो आपकी फारसी भाषा थी। नेक्स्ट इसमें आपका 88, विच डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो आपको जो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था, चला था 2 सितंबर 1945 तक, तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत की, बट इसमें ऐसा डेट सीट नहीं दिया है, तो आपका जो अंत हुआ था 9 मई 1945 में हुआ था, जो आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 89, इसमें बोला जा रहा है कि इन 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी, इसमें बोला जा रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो ये आपका सोम देवता को है, सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है 90, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू स्टेबलाइज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन विनायत नाम, आपकी विनायत नाम में निम्न में से कौन सा है विनायत नाम में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहा, कौन करना चाहा, तो फांचु त्रियक ने करना चाहा, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका 91, वेयर डिड द फर्स्ट रिवॉल्यूशंस ऑफ यूरोप टेक्स प्लेस, यूरोप की प्रथम क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपकी इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट इसमें आपका 92, हु आर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, मतलब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जी। नेक्स्ट इसमें आपका 93, इसमें बोला जा रहा है कि आपका आर्य महिला समाज वाज स्टेबलाइज्ड बाय, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपकी जो है पंडिता रामाबाई के द्वारा की गई, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 94, विच कंट्री स्टेबलाइज्ड इट्स कॉलोनी इन वियतनाम, तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन फ्रांस जो है स्टेबलाइज्ड के कॉलोनी इन वियतनाम। लोगों ने देख लिया किस देश ने वियतनाम में अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो आप देख चुके हैं जो है आपका फ्रांस है। नेक्स्ट है आपका 95, महात्मा गांधी आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच ऑन February 6, 1968 बिचू वाराणसी में। नेक्स्ट इसमें आपका बिचू का स्थापना दिवस भी 1916 में है। नेक्स्ट इसमें आपका 96, इसमें बोला जा रहा है द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात की जा रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है, सबसे छोटा जो दिन होता है आपका 22 दिसंबर होता है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात की जा रही है तब। नेक्स्ट इसमें आपका 97, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट्स, कर्क वृत्त किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती उसकी बात करें, तो टोटल आपकी 8 जो है आपकी जो पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ करती है, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले आपका गुजरात से आपका टच करती है, मतलब गुजरात से पास होती है, सेकेंड आपका राजस्थान, थर्ड आपका MP मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़,
और आपका पांचवा जो है वेस्ट बंगाल, और आपके छठवां जो है झारखंड, सातवां है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम। तो जो उड़ीसा है इसमें ऑप्शन है उससे आपको पास नहीं करती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्कवृत पास नहीं करती, तो लास्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 98 द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन इंडिया, भारत में प्राचीन भूखंड है, या आपका जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपका जो डिवाइड किया गया दो भागों में डिवीजन किया गया, पहला आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है और आपका दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू जो आपका लाइज करता है आपके नर्मदा रिवर पे मतलब नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट इसमें आपका 99 द इंडियन स्टेट विच इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इज, अभ्रक जो उत्पादन का भारत में कौन सा अग्रणी प्रदेश है, तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, और चौथे नंबर पे आपका झारखंड आता है। जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका है आपके चार स्टेट हैं, बट इसमें बोला जा रहा है कि लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे अग्रणी की बात की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। नेक्स्ट इसमें आपका 100 और लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लांटेशन क्रॉप नीड्स डीप, जो आंध्र प्रदेश में आपका जगह का नाम है, नेल्लोर जगह का नाम है, वहाँ पे जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। नेक्स्ट इसमें आपका 100 विच प्लांटेशन क्रॉप नीड्स डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेनेड सॉयल, इसमें चार ऑप्शन है, टी कॉफी डेट और रबर, तो किस रोपण फसल के लिए गहरी उपजाऊ और उत्तम जल निकासी वाली मृदा आवश्यक होती है, तो ये आपका टी के लिए होती है, चाय के लिए होती है, बट आपको क्या क्या चीज़ आपकी रिक्वायर्ड इसमें होनी चाहिए, तो आपकी वार्म और मोस्ट मिस्ट और फ्रास्ट फ्री क्लाइमेट होनी चाहिए आपकी चाय के लिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन मूड अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई भी इससे वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।